हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले जीआईसी बोंगीधार, अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम दीपांशु। दीपांशु, अच्छा दीपांशु, ठीक है, आप कल प्रेजेंट थे। ये बताइए, आपको होमवर्क में क्या दिया गया था? मैम हार्ट के बारे में, मतलब हार्ट के बारे में पूछना था और उसका चित्र बनाना था। ठीक है, आप बना के लेके आए हैं? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो मुझे ये बताइए कि जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, कोष्ठक होते हैं, उनके नाम मुझे बताइए। मैम बाया अलिंद, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय अलिंद, दोनों ठीक बाया है, अलिंद, दाया ठीक अलिंद। है, चार कोष्ठक हो गए। इसके अलावा ये बताइए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसमें जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हृदय में कहाँ से आता है? दाया अलिंद में पाए जाते हैं, कोशिकाओं से दाएं अलिंद आता में, है, दाएं अलिंद कोशिकाओं में से, आता है, ठीक है, कोशिकाओं से। ठीक है। अब ये बताइए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन है, वो शरीर के अंगों में किस कोष्ठक के द्वारा पंप किया जाता है? बायां, बाएं तरफ। किसी और को बताना है दीपांशु के अलावा? अच्छा चलिए, ठीक है दीपांशु, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप डायग्राम बना के लेके आए हैं। ये बताइए कितने बच्चों ने और डायग्राम बनाया है, हाथ खड़े कीजिए। मैम सभी ने बनाया। सभी ने बनाया, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जीआईसी बोंगीधार, आप लोगों ने होमवर्क किया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बैठिए। जीआईसी वरम, आप अपना माइक लीजिए जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बच्चे नाम बताइए अपना। मैम खस्ती। अच्छा, अब ये बताइए आपको होमवर्क में क्या दिया गया था? मैम पाचन। बच्चे पाचन हमने कब का कंप्लीट कर दिया? पाचन के बाद हमने रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी परिवहन के बारे में। आप रोज नहीं आते हैं जीआईसी बरम में, कुछ बच्चे। हाँ कहिए मैम। हृदय, हृदय के बारे में पढ़ रहे थे, क्या काम है हृदय का, कौन मुझे बताएगा जीआईसी बरम में से? हाथ खड़े कीजिए, क्यों, कौन मुझे बताएगा? किसी को नहीं पता है, ठीक है। जीआईसी बाराकोट, आप अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बच्चे नाम बताइए अपना। अमन गोस्वामी। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों बच्चे रोज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये बताइए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कल आपको बताया गया था? मानव हृदय। मानव हृदय, मानव हृदय, वेरी गुड। अब मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था? चित्र बनाने को। चित्र बनाने को दिया था, आपने बनाया है? यस मैम। आपके अंगों के, आपको अंगों के नाम याद हो गए हैं? आधे हैं। आधे, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। आज कुछ बच्चों ने होमवर्क किया है, बहुत अच्छी बात है, बैठिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी कि परिवहन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि परिवहन की। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था हमारे शरीर में दो प्रकार के क्या होते हैं, तरल होते हैं। पहला होता है ब्लड यानी कि रक्त, और दूसरा होता है लिम्फ। जीआईसी धोखा ने, बच्चे आप लोग ध्यान दे रहे हैं, आगे बातें मत कीजिए आपस में, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने कहा है कि जब हमारे बॉडी में कोई भी परिवहन हो रहा है तो तरल, हमारे बॉडी में दो प्रकार के तरल होते हैं, एक होता है रक्त और दूसरा होता है लिम्फ। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, कोई भी जो चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जैसे कि हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि हर एक अंग में क्या हो रही है, वितरित हो रही है, ठीक है। सेम वैसा ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारे अंगों से इकट्ठा होकर के लंग्स में यानी कि फेफड़ों में आ रही है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये जो वितरण है गैसों का, ये किसके द्वारा हो रहा है, जो यहाँ पे रक्त है, रक्त के द्वारा, रक्त ही ऑक्सीजन को लेके अलग अलग अंगों में जा रहा है, और रक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहाँ पे आएगा, लंग्स में आएगा। इसी प्रकार से जो पाचित भोजन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन है, सब चीज का जो वितरण हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, रक्त के द्वारा होगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, रक्त।
रक्त के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। ब्लड यानी कि रक्त। अब रक्त किस किस चीजों से मिलके बना होता है? प्लाज्मा से मिलके बना होता है और कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं, है ना। रक्त कोशिकाएं हम इन्हें कहते हैं। तो हमने कहा जो रक्त है वो किस किस चीज से मिलके बना होता है? एक तो बना है प्लाज्मा से और इसमें क्या होती है, तीन प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? सबसे पहले जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हम इन्हें कहते हैं। हो गया लाल रक्त कणिकाएं, पहली प्रकार की सेल ये आ गई है, ठीक है। दूसरी प्रकार की जो सेल होती है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट है कणिकाएं, ठीक है। और लास्ट जो तीसरा आता है वो है ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है कि जो रक्त है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि किसका क्या काम होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो तीनों प्रकार की सेल्स हैं, ठीक है। देखिए प्लाज्मा से भी क्या है, प्लाज्मा भी रक्त का ही पार्ट है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ तीन प्रकार के जो हमारे पास कोशिकाएं आती हैं जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं की। लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऑक्सीजन का वितरण करना, ठीक है। जल्दी से आप क्या करेंगे, नोट करते चले जाएंगे। आरबीसी का क्या कार्य है आप वहां पे लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है वहां पे लिखेंगे, ठीक है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वितरण करना, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना। हो गया है पहली बात। सेकेंड मैंने क्या कहा है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होगा, जो भी पैथोजेंस होते हैं उनसे हमारी सुरक्षा करना, हमें बीमार होने से बचाता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फटाफट से नोट करते चले जाइए, जो फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ आप फंक्शन भी नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। क्या करेगा? अब लास्ट में आता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो तीसरा जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसका काम क्या है, हमारे रक्त का थक्का जमाना। यानी कि क्या होता है, जब कहीं पे हमारा हाथ कट जाता है, जहाँ पे भी हमारे शरीर में कट लग जाता है, खून निकलने लगता है, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं खून निकलना बंद हो जाता है, वहां पे क्लॉट जम जाता है, जो खून का थक्का जम जाता है। कौन जमा रहा है? ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें हम कह रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं काम, कि सेल का क्या काम है आप फटाफट से देखिए। मैंने कहा आरबीसी जिसे हम कह रहे हैं लाल रक्त कणिकाएं, वो ऑक्सीजन का वितरण करेगा हमारे पूरे शरीर में, यानी कि ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है डब्ल्यूबीसी। क्या कार्य है इसका, हमें क्या है, रोगों से मुक्त रखना, हमें हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। हो गया है। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, यहाँ पे रक्त का थक्का जमाना। अब देखिए अगर हमारे रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून निकलता रहेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो पूरा ब्लड है वो हमारे शरीर से निकल जाएगा, तो यहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीनों सेल कहाँ पे पाई जाती है, तीनों मिलके यहाँ पे रक्त बना रही है, अलग कुछ भी नहीं है, तीनों ही मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगी, ब्लड को बनाएंगी, ठीक है। सबने नोट कर लिया है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे पाचित भोजन की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, जो भी ये चीजें वितरित हो रही हैं, किसके माध्यम से होंगी, ये होंगी ब्लड यानी कि रक्त के माध्यम से। तो क्या ये रक्त खुद ही हमारे शरीर में दौड़ता होगा? चलिए ठीक है, एक बारी को हमने कह दिया कि जो हमारे जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारे नीचे के ऑर्गन हैं, हमारे जो नीचे के ऑर्गन हैं उनमें क्या है, जो ब्लड है वो खुद ब खुद दौड़ता होगा, लेकिन ऊपर कैसे आता होगा, क्योंकि ब्लड कहाँ पे,
हमारे पूरे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, हमारे मस्तिष्क से लेके हमारे पैरों तक जो ब्लड का फ्लो है वो चलता जा रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो खुद ब खुद नहीं दौड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, जिससे कि वो मस्तिष्क में भी जाए तो वो हमारे पैरों तक भी जाए। ठीक है, अब ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे कौन मुझे बताएगा? जीआईसी बाराकोट, माइक लीजिए अपना और बताइए कि ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करेगा यहाँ पे? हृदय। हृदय, ठीक है, बैठिए दीपांशु। जीआईसी धोकाने, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। पंकज। पंकज, पंकज ये बताइए ब्लड को पंप कौन करेगा यहाँ पे? आरबीसी। अच्छा, तो आपने ब्लड को पंप आरबीसी कर रही है। आरबीसी का काम क्या बताया मैंने? ऑक्सीजन कम करेगा। आरबीसी का आरबीसी ऑक्सीजन को क्या, ऑक्सीजन को बच्चे वितरित। अच्छा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, मैंने कहा आरबीसी ऑक्सीजन को वितरित करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पे होगी? रक्त में घुली हुई होगी। ठीक है, रक्त में घुली हुई है ऑक्सीजन। अब मैंने कहा कि रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, अब ये सारों सारी कोशिकाएं चलती रहेंगी, लेकिन इनमें जो ऑक्सीजन वितरण का कार्य है वो है आरबीसी का, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है, अब ये ब्लड तो ऑक्सीजन को लेके चलेगा, लेकिन इस ब्लड को कौन भेजेगा, इस ब्लड को पंप कौन करेगा? अच्छा, आपको पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। जीआईसी रायपुर मैम। हृदय। हृदय, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीआईसी बाराकोट और जीआईसी रायपुर से हमें बिल्कुल सही आंसर मिल गया है। ठीक है, जीआईसी दुकाने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपको अपना आंसर मिल गया है कि हमारे शरीर में ब्लड को पंप कौन करेगा? मैम नो। अभी दो बच्चों ने बच्चे आंसर दिया है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो ब्लड को पंप करता है वो है हृदय। ठीक है, जो हमारा हार्ट है उसका काम ही यही है कि वो ब्लड को पंप करेगा। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, जो आरबीसी में ऑक्सीजन घुली है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, लेकिन उस रक्त को भेजने के लिए भी हमारे पास एक अंग होता है। ठीक है, हमने कहा है कि हमें पानी में, देखिए इसको ऐसे एग्जांपल में लेते हैं, हमें क्या करना था, सिंचाई करनी थी। ठीक है, अब हमने पानी में सारे जो पोषक तत्व हैं, हमने खाद, उसे खाद मिला दी है। अब खाद को लेके पानी जा रहा है, लेकिन पानी को पंप करने के लिए भी कोई चीज चाहिए यहाँ पे, इसीलिए हम मोटर का यूज करेंगे, है ना। अब पंप करने का काम कौन कर रहा है? मोटर कर रही है, लेकिन खाद को लेके कौन जा रहा है? पानी जा रहा है। तो सेम इसको ऐसे ही आप लेंगे कि यहाँ पे जो रक्त है वो ऑक्सीजन को लेके तो जा रहा है, लेकिन रक्त को पंप करने का कार्य कौन करेगा? हमारा हृदय करेगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले माइक किसने लिया था? पंकज ने लिया था। यस मैम। ठीक है, पंकज को माइक दे दीजिए। यस मैम। अच्छा पंकज, आप यहाँ पे कंफ्यूज थे आरबीसी में और हार्ट में कि दोनों के कार्य में क्या डिफरेंस है। अब आपको समझ आ गया है कि आरबीसी क्या कर रही है और हमारा हार्ट यानी कि हृदय क्या कर रहा है। कहिए पंकज, यस और नो? नो। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैंने कहा कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन घुल गई है और अब रक्त को हर एक अंग में जाना है, लेकिन क्या है, रक्त खुद ब खुद नहीं जा सकता है। ठीक है, उसे पंप करने की आवश्यकता है। सेम ऐसा है कि उसे धक्का देने की आवश्यकता है, बिना धक्का दिए वो नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, उसे पंप कर रहा है, उसपे धक्का दे रहा है कि जिससे कि वो सारे ऑर्गन में जा सके। तो देखिए, ऑक्सीजन तो यहाँ पे आरबीसी तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बांट रही है, लेकिन उसके लिए हमारे रक्त को धक्का देने की आवश्यकता है, जो कि हमारा हार्ट कर रहा है। पंकज समझ में आया कुछ थोड़ा? मैम, ऑक्सीजन को आरबीसी पहुंचाएगा। हाँ, और आरबीसी को कौन पहुंचा रहा है? आरबीसी को ऑक्सीजन। देखिए, मैंने आपके पास दिया, आपको एक टॉफी दी मैंने, ठीक है, कि आपको ये टॉफी अपने फ्रेंड को देनी है। आपके पास एक टॉफी है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैंने आपको क्या किया, मैं आपको धक्का दे रही हूँ कि जाओ और आप टॉफी लेके आओ। अब आप क्या हो यहाँ पे? आरबीसी हो। आप क्या हो? आरबीसी हो। टॉफी क्या है? ऑक्सीजन है। और मैं क्या हूँ? हार्ट हूँ, जो मैं आपको धक्का दे रही हूँ आगे कि जाओ और ये टॉफी दे के आओ। फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने कहा आप यहाँ पे आरबीसी हो, ठीक है, आपके पास मैंने एक टॉफी दी है जो ऑक्सीजन है। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कोई भी रीजन हो सकता है, मैं आपको धक्का दे रही हूँ कि जाओ अपने फ्रेंड के पास जाओ। तो मैं हार्ट हूँ जो कि आपको आगे की तरफ पुश कर रही हूँ, आगे की ओर धक्का दे रही हूँ, ठीक है। मैं हृदय हूँ। अब मैं हृदय क्या कर रही हूँ? आपको धक्का दे रही हूँ, आप यानी कि आरबीसी। ध्यान रखिए, आप क्या है यहाँ पे? आप क्या है यहाँ पे? आरबीसी। आप आरबीसी हैं। टॉफी क्या है यहाँ पे? टॉफी को क्या माना है हमने?
O2। ऑक्सीजन O2, ठीक है। और मैं क्या हूँ यहाँ पे बच्चे, मैं क्या हूँ? हार्ट। हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है। अब बताइए, हृदय, ओके ठीक है। अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। आप आरबीसी हैं, आरबीसी आपका काम क्या है? टॉफी को का वितरण करना, टॉफी को देना, यानी कि ऑक्सीजन को देना। आप नहीं जाएंगे जब तक कि आपको धक्का ना दिया जाए, जब तक कि आपको पुश ना किया जाए। तो मैं यानी कि हार्ट आपको पुश कर रही हूँ, जब मैंने आपको पुश किया तब आप हर एक अंग में जाएंगे, यानी कि हर एक दोस्त के पास जाएंगे और टॉफी देंगे, यानी कि ऑक्सीजन देंगे। अब देखिए आरबीसी ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन तब देगी जब हार्ट उसे पुश करेगा, आगे की ओर धकेलेगा, यानी कि पंप करेगा। अब आप बताइए, आपको समझ आया पंकज? चलिए मुझे बताइए कि क्या समझ आया आपको, जितना समझ आया, जैसी लैंग्वेज में समझ आया मुझे बताइए। आरसीबी आरबीसी O2 को ले जाएगी, ठीक है। और हृदय, मैं क्या कर रही थी जब मैं हृदय बनी थी, तो मैं क्या कर रही थी? अच्छा, पंकज के अलावा मुझे कौन समझाएगा ये? ठीक है, GIC रायपुर। यस मैम। ठीक है बच्चे, मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने क्या समझा, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? आरबीसी को पंप करना होता है। आरबीसी को पंप करना होता है, वेरी गुड। GIC धोखाने, ध्यान से सुनिए, पीछे मत देखिए, ठीक है बच्चे, आप कहिए। WBC को बीमारियों से लड़ना होता है। हाँ, ये आप कार्य बता रहे हैं, ठीक है। ब्लेडलेस सर, जैसे मैम खून जम जाता है, निकलता है, खून जम जाता है। हाँ चलिए, ये आपने मुझे काम बताए हैं, आपको पता है। अब मैंने ये कहा है कि एक बच्चे को कंफ्यूजन था कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है और हृदय का क्या कार्य है। आप दोनों का कार्य मुझे बताएंगे, आरबीसी क्या कर रहा है और हृदय क्या कर रहा है? हृदय मैम, हृदय ही पंप कर रहा है। और आरबीसी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ले जा रहा है, ऑक्सीजन को वितरित कर रहा है, ठीक है। आरबीसी बांटने का कार्य कर रहा है, और आरबीसी क्या करेगा? ऑक्सीजन को बांटेगा। और हृदय क्या करेगा? जो हमारा आरबीसी है, रक्त है, उसे भेजेगा, ठीक है। GIC धोकाने, अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, ये बताओ अब मुझे, आपको जो भी समझ आया है वो बताओ। सबसे पहले तो मुझे आरबीसी का और जो हार्ट है, हृदय है, उसका काम बता दो मुझे। मैम आरबीसी O2 को हृदय में ले जाती है। हाँ। और WBC, आरबीसी और हृदय का आपको मुझे काम बताना है, हार्ट का, ठीक है। पहले मुझे आरबीसी और हार्ट, हाँ, दोनों का काम बताओ। हार्ट क्या कर रहा है? WBC बैक्टीरिया मारती है। बच्चे मैंने कहा आपको हार्ट का काम बताना है, हृदय का काम बताना है। हमारे हृदय का क्या काम होता है? ब्लड को कम करना। ब्लड को कम करना या ब्लड को पंप करना? देखो बच्चे, ये जो हार्ट है उसका काम है ब्लड को पंप करना, यानी ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है। देखिए, जो हमारा रक्त है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आप जानते हैं कोशिकाएं क्या होती है? कोशिका क्या होती है? कोशिका नहीं जानते आप? देखिए, कोशिका क्या होती है, जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हम एक घर बना रहे हैं, तो घर ईंटों से मिलके बनता है, जो दीवार है वो ईंटों से मिलके बनती है। तो ईंट, अगर हम कहें कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, हमने कहा एक ईंट। एक एक ईंट को मिल करके पूरी दीवार वहां पे बनी है। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि हमारे शरीर की इकाई क्या है, हमने कहा कोशिका है। एक एक कोशिका को मिलके हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, यानी कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। बहुत सारी कोशिकाएं, मिलियंस ऑफ सेल्स जब यहाँ पे मिलती हैं, तब हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। यस मैम। अब हमने कहा कि जो रक्त है वो भी कोशिकाओं से मिलके बना है। रक्त भी क्या होगा? कोशिकाओं से मिलके बना होगा। तीन प्रकार की कोशिकाओं की हमने बात की है, आरबीसी है, WBC है, ब्लड प्लेटलेट्स है, ठीक है। अब हमने कहा कि रक्त का कार्य है ऑक्सीजन को बांटना, हर एक अंग में ऑक्सीजन को बांटेगा वो। रक्त हमारे हर एक ऑर्गन में ऑक्सीजन को बांटेगा, लेकिन रक्त खुद ब खुद नहीं चल सकता है, रक्त को भेजना पड़ता है, रक्त को धक्का देना पड़ता है, और वो काम करता है हार्ट, हमारा हृदय। हमारा हृदय रक्त को क्या करेगा? धक्का देगा, पंप करेगा। और जब रक्त को पंप करेगा तभी जो रक्त है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि बिना हृदय के जो रक्त है वो एक ही जगह पे ठहरा रहेगा। रक्त को चलने के लिए हृदय की आवश्यकता है, हृदय क्या करेगा? रक्त को पंप करेगा, तब जाके जो रक्त है वो हर एक अंग में जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको समझ आया कि रक्त का क्या काम है, या आरबीसी का क्या काम है, और हृदय का क्या काम है? अच्छा ठीक है, मुझे समझा दीजिए। तीन कोशिकाएं होती हैं,
हाँ तीन कोशिकाएं आरबीसी होती हैं। ठीक डब्ल्यूबीसी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। है, अब रक्त का क्या हृदय काम है? हृदय रक्त हृदय में हृदय से कम होता हाँ है, पंप होता है पंप होता है। ठीक है, और शरीर के सारे अंगों में जाता है। शरीर के सारे अंगों में जाता है और ऑक्सीजन को बांटता है। ठीक है, ठीक यस मैम। है, बैठिए। जी आई सी बरम, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। गंगा। मैम गंगा। ठीक है गंगा, ये बताओ कि रक्त का क्या कार्य होता है और हृदय यानी कि हार्ट का क्या कार्य होता है? कहिए। मैम हृदय हमारे शरीर में पंप करता है। हाँ, किसे पंप करता है? हार्ट पंप मैम करता है, बट रक्त। क्या पंप? रक्त। वेरी गुड, रक्त को पंप करता है। ठीक है, और रक्त क्या करेगा? मैम वो हमारे शरीर में जगह जगह पहुंचाता है। ठीक है, जगह जगह पहुंचाता है। ठीक है, क्या पहुंचाता है? मैम रक्त ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, बैठिए। अब आपको ये पता चल गया है कि रक्त किससे मिलके बना हुआ है। आप, मैं मान के चल रही हूँ, आप सब नोट कर रहे हैं। ठीक है, रक्त किससे मिलके बना है, अलग अलग सेल के क्या कार्य हैं, हृदय का क्या कार्य है। अब आपके पास आते हैं क्या इम्पोर्टेंट, आपको हार्ट का डायग्राम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हार्ट का डायग्राम कैसे बनाएंगे आप। मेरे साथ आप डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें चार कोष्ठक बनाने हैं यहाँ पे। हमने कहा कि जो हृदय है वो चार कोष्ठकों में डिवाइड होता है, जो आईसी 12 फुट में से एक बच्चे ने हमें बताया है। ये हमारे क्या है, चार कोष्ठक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चार कोष्ठक पता होने चाहिए। ऊपर वाले को हम कहते हैं अलिंद और नीचे वाले को हम कहते हैं निलय, दोनों को। ऊपर वाले ये जो दो हैं इन्हें हमने क्या कहा, अलिंद कहा है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों को हमने अलिंद कहा है, नीचे वाले दोनों को हमने निलय कहा है। अब क्या है, दोनों ऊपर वालों का नाम अलिंद है, दोनों नीचे वालों का नाम निलय है। अब जो अलिंद राइट साइड में होगा उसे हम राइट एट्रिया या फिर दायां अलिंद कहेंगे, और जो लेफ्ट में होगा उसे हम बायां अलिंद कहेंगे। ठीक है, दायां यानी कि राइट, और ये हमारा बायां यानी कि राइट लेफ्ट। दायां यानी कि राइट, बायां यानी कि लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए, अब अलिंद को हम कहते हैं एट्रिया और निलय को हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो हमने कहा जो एट्रिया होते हैं वो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया हमारे पास आता है, वेंट्रिकल भी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास आता है। तो देखिए आप राइट और लेफ्ट का आपको बताएं, राइट यानी कि जो हमारा सीधा होता है, जो हमारा दाया होता है, और लेफ्ट यानी कि जो हमारा क्या होता है, बाया होता है, जो हमारी उल्टी साइड होती है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, हम राइट और लेफ्ट कहेंगे, आप ध्यान रखिए। हमने कहा कि जो निलय है, जो वेंट्रिकल है वहां पे, वो भी राइट और लेफ्ट में है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, यानी कि वेंट्रिकल को ही हम निलय कह रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। सेम वैसा ही यहाँ पे क्या है, राइट एट्रिया है, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया है। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ आई है, आ गई है सबको समझ? जीआईसी धोकाने आपने इतना बना लिया है। ये जो है ये इजी डायग्राम है। ठीक है, जो हार्ट का इजी डायग्राम है, समझाने के लिए इतना बना लिया। तो मैं यहाँ पे मिटा दूँ जो भी मैंने लिखा है अलिंद और निलय के बारे में। जीआईसी इलाका मंडल, चलिए मैं पूरा लिख लेती हूँ। हमने कहा ये बायां अलिंद है, बायां अलिंद। ठीक है, और ये है बायां निलय। फटाफट नोट कीजिए, मैं अभी आपसे पूछूंगी। हो गया है, ये बात क्लियर है। हमने कहा ये दायां अलिंद है, कौन, ये। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप डायग्राम बना के लेके आएंगे। और ये क्या है, दायां निलय।
इतना लिख लिया है सबने, चार कोष्ठकों के नाम आपको याद हो गए हैं। हमारा हार्ट वो फोर्थ चैम्बर में डिवाइड होता है, चार कोष्ठकों में डिवाइड होता है, दो अलिंद हैं, दो निलय हैं, ठीक है। जो अलिंद है उसका भी राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया यानी कि दाया अलिंद बाया अलिंद हो गया है, और जो वेंट्रिकल है उसका भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि दाया निलय और बाया निलय, इतनी बात सबने नोट कर ली है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे क्या है, जो रक्त है वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से पंप होता है। आगे बढ़े, जीआईसी बरम, सबने नोट कर लिया ये डायग्राम। चलिए, यहाँ पे एक दो जो नाम है वो भी याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दो नाम यहाँ पे बता रही हूँ, पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं, और पल्मोनरी वेन जिसे हम फुफ्फुस सीरा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेंगे पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे इस प्रकार से एक आर्टरी आती है यानी कि धमनी आती है जिसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या है ये? फुफ्फुस धमनी, जल्दी से लिखिए इसे। और एक यहाँ पे आती है, इसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा कहते हैं। अभी के लिए आप इतने नाम याद रखिए जितने भी आपको, ठीक है। मैंने कहा कि हम दो और नामों के बारे में बात करेंगे, एक है फुफ्फुस धमनी और एक है फुफ्फुस शिरा, ठीक है। जल्दी से इन नामों को नोट कीजिए। चलिए, इतना डायग्राम आप सबने बना लिया है। जी आई सी बरम, आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है। आप माइक लीजिए और मुझे ये बताइए अपनी अभी तक क्या समझा है इसमें। जी आई सी बरम, ये बताइए जो हृदय के कौन कौन से पार्ट यहाँ पे हैं, मुझे नाम बताइए। मैम चार। चार कौन कौन से हैं? मैम बायां हृदय, मैम दायां हृदय। दायां हृदय कहाँ पे लिखा है बच्चे? मैम अलिंद। हाँ ठीक है, दायां अलिंद, बायां 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 अलिंद, ठीक है। बायां अलिंद, ठीक है बच्चे। आपने दायां अलिंद बायां अलिंद दोनों बता दिए हैं, उसके बाद बताइए। मैम निलय अलिंद, पूरा पढ़िए, निलय को पूरा पढ़िए, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है? जहाँ पे मैंने अभी तक किया है सर्कल बना ले रही हूँ, ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, इसे पढ़ो। ये क्या लिखा है मैंने? जी आई सी बरम, आपको आवाज आ रही है? मैम फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है? मैम फुफ्फुस शिरा, ठीक है। बैठिए, जी आई सी लाखा मंडल, आप अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। खुशी, ठीक है। खुशी, जी आई सी लाखा मंडल में सिर्फ खुशी बात करती है, ठीक है। खुशी, बहुत अच्छी बात है, आप बात करते हैं। ये बताइए कि जो हार्ट है, जो हृदय है, उसमें आपने कितने चैम्बर पड़े हैं, मुझे नाम बताइए जल्दी से। और जो स्कूल है बच्चे, आप याद कीजिए फटाफट, इतना टाइम आप नहीं लेंगे बताने में, ठीक है। खुशी आप बताइए। दाया, कहिए खुशी। दाया, दाया अलिंद, अलिंद अलिंद अलिंद, दाया अलिंद, हाँ, बाया अलिंद, हाँ, दाया नीले, हाँ, बाया नीले, ठीक है। और जो दो नाम है वो? फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस शिरा। अब ये बताइए क्या काम है हृदय का? ब्लड रक्त को अंगों में पहुंचाना, रक्त को अंगों में पहुंचाना, ठीक है, वेरी गुड। और रक्त का क्या काम है? CO2 को, कहिए, O2 का परिवहन करना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। CO2 और O2 दोनों का ही परिवहन करना, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है जी आई सी लाखा मंडल में से। खुशी, आपने अच्छा आंसर दिया, ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो सारे नाम है ये आप पढ़ के नहीं बताएंगे, कल आप मुझे याद करके बताएंगे, ठीक है। और ये डायग्राम भी आप बना करके लेके आएंगे। जी आई सी सियानकोट, आप अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए मुझे बताइए, जो हार्ट है उसके कितने पार्ट होते हैं, बिना देखे मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको कहा था तब तक आप लोग याद करेंगे, सिर्फ चार पांच नाम है वही आपको याद करने हैं। चलिए आगे देखिए, स्क्रीन में देखिए, हाँ, दाया अलिंद, आगे देखिए, दाया निलय, ठीक है, दाया अलिंद, बाकी जो बच्चे बैठे वो पढ़ के नहीं बताएंगे मुझे। दाया निलय, हाँ ठीक है, फुसफुस सीरा, दोबारा कहिए, फुफ्फुस सीरा, ठीक है, फुसफुस धमनी, फुफ्फुस मेरे साथ कहिए, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उन्हें माइक दीजिए, बच्चे फटाफट से मुझे बता दो। मैम, गुड मॉर्निंग बच्चे, बिना देखे मुझे अब बताइए कि जो हृदय के चार कोष्ठक हैं उनके क्या क्या नाम है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, ठीक है, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है, और फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा। बच्चे फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, ठीक है। आप प्रोनाउंस अगर गलत करेंगे, याद अगर गलत करेंगे तो आप लिखेंगे भी गलत। देखिए पढ़िए क्या है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिरा है, ठीक है। जी आई सी बारा चीना, आप अपना माइक लीजिए, बच्चे बैठ जाओ, ठीक है।
अब आप मुझे ये बताइए हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। जी आई सी बारह चीना, माइक ऑन कीजिए अपना। ठीक है, आप अपने टीचर्स को बुलाइए, अपना माइक चेक करा लीजिए। तब तक जी आई सी सियानकोट आप अपना माइक लीजिए। जी आई सी पटलोट आप अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, ये बताइए कि जो हृदय में कितने कोष्ठक हैं या हार्ट में कितने चैम्बर हैं? चार है। ठीक है, कौन कौन से हैं? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद। ओके ठीक है, और दो नाम आपको बताए गए थे? फुफुस धमनी, फुफुस सिरा। ठीक है, आपका नाम क्या है? तुलसी। ओके तुलसी, ठीक है तुलसी, वेरी गुड, आपने इतनी जल्दी याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। कल हम देखेंगे कि कैसे जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करते हैं। हम देखेंगे कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि वो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे हार्ट में आया, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन है, फिर वही जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि कैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि वो ब्लड, वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन है वो हर एक अंग में उसका वितरण कैसे होगा, ब्लड पंप कैसे करेगा। ठीक है, ब्लड को पंप कैसे किया जाएगा ये हम जानेंगे। चलिए सो क्लास, जो भी आपको बताया जाता है आप क्या करेंगे, घर में रिवाइज करके आएंगे। डायग्राम ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो आपको सारे डायग्राम आने चाहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।